this might be right. Either you feel it or you don't, might give it a try, yeah. Welcome to Simply Lakshmi's Life. ये वाला जो ग्रीन बेडशीट है ना, ये ग्रीन कलर का है तो इसलिए मैंने इसको बिछाया है. अदरवाइज ये मैंने बहुत साल पहले खरीदा था और इसमें कलर बहुत जाता है तो इसके कारण ना मैं इसको कम ही बिछाती हूँ और कम वॉश करती हूँ. मैंने वो ग्रीन वाला वॉश करने के लिए दिया है. एक दिन में वो सूख जाता है. मैं इसको उठा के वो वाला डाल दूंगी. और ज़्यादातर मैं मतलब ग्रीन वाला ही बेडशीट आपको देखने को मिलता है. मेरे पास एक ही है ग्रीन वाला बेडशीट, तो मैं इसे ही जब वॉश करती हूँ ये वाला बेडशीट यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि दूसरा कलर का जो बेडशीट है ना, डालने के बाद रूम ना थोड़ा सा मतलब अजीब सा लगता है. इसके लिए ना मैं दूसरा कलर का बेडशीट नहीं डालती हूँ इसमें. ये ग्रीन कलर अच्छा लग रहा है. ये एक्चुअली ना थोड़ा सा डार्क में था, डार्क ग्रीन में. वॉश करने के बाद कलर जा के ये थोड़ा सा लाइट शेड में आ गया है, बट लाइट शेड ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे. और ये बहुत साल पहले मैंने ख़रीदा था, तब मेरी बेटी 2 साल की थी. ये अच्छा लग रहा है, लेकिन ये बहुत मोटा है, मतलब हाथ से इसको वॉश करना बहुत मुश्किल है. गुड मॉर्निंग. तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि मेरे सारे फ्रेंड बहुत अच्छे हैं, मैं भी बहुत अच्छी हूँ. और आज है और एक नया दिन और बाहर धूप, मतलब क्या बोलो, लेकिन सुबह सुबह ना धूप है ये बोलना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे धूप में ज़्यादा एनर्जी मिलती है. ये क्लाउडी वगैरह रहता है ना वेदर, तो मेरा हॉल पर ना ज़्यादा धूप नहीं आता है. मैं कर्टन को थोड़ा सा इससे हॉल पे अच्छा खासा मतलब धूप जो है, अगर धूप रहता है तो लाइट आ जाता है अच्छा खासा. लेकिन हॉल मेरा सबसे ज़्यादा एक मतलब ठंडा है. समर के टाइम के लिए तो एकदम परफेक्ट है. हम लोग दोपहर को भी यही रहते हैं. और बेडरूम जो है वो विंटर में बहुत अच्छा है, क्योंकि दोपहर को धूप आता है. और ये रही कृति, पूरा अतनु ने नहा लिया है और कृति को मैंने बोला है कि थोड़ा सा हैंड राइटिंग कर लो, तो वही वो कर रही है. और मैंने अपनी बेडशीट को जो है ना चेंज किया है और मैंने दाल और चावल चढ़ा दिया है. ये रहा दाल चावल, अभी मैं खाना बना लूँगी. और सुबह ही मैंने वेजिटेबल जो है उसको कट करके रख दिया था. आज मैं स्प्रिंग ऑनियन बनाऊंगी और साथ में करेला आलू फ्राई मस्टर्ड के साथ, और थोड़ा सा खसखस बना दूंगी. और ये जो इसको हम लोग बंगाली में चौचौरी बोलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है. हल्दी और सॉल्ट के अलावा इसमें कुछ नहीं जाता है. थोड़ा सा मस्टर्ड और चिली का पेस्ट जाएगा, बस इतना ही मसाला इसमें ऐड होता है. बैंगन और आलू को फ्राई करने के बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया है स्प्रिंग ऑनियन को, और लास्ट में मैं मस्टर्ड की पेस्ट डालूंगी, थोड़ा सा पानी, और इसको उबाल लूँगी. ये है चौचौरी स्प्रिंग ऑनियन का, प्याज कोली चौचौरी. ये करेला आलू, थोड़ा सा मस्टर्ड मैंने मिक्स किया है, ऑनियन, और ये है टमाटर आलू पोस्तो और दाल. ये है हमारा आज का मेनू. आपका फेवरेट मेनू है आज? हाँ, यम 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 तो ऐसे ही हम बोल रही है ना, मुझे डर ही लग रहा है. पहले फिनिश कर फिर बताना, ठीक है? और अतनु का फेवरेट, प्रीति का तो फेवरेट पोस्तो हो गया, अतनु का फेवरेट? मेरा ये दोनों फेवरेट है, चौचौरी. Yes. And karela also. Karela is not my favorite. But it's healthy, no? It is healthy. हाँ, ये tasty भी होता है ना, थोड़ा सा mustard. ये मैं share करूँगी आप लोगों के साथ. ये मेरी मम्मी, हाँ मेरी मम्मी बहुत बनाती थी, तो तब मैं नहीं खाती थी, but अभी तो खाती हूँ. मैं खाती हूँ, start. हाँ. Start करती हूँ. Yum. Yum. हँसते हँसते खाओ, है? चलो मैं भी start करूँ. अतनु क्रीति गया है नीचे और अतनु भी गया है, तो वो भी बोल रहा है मैं भी 2-4 राउंड लगा लूँगा. मैं एक्चुअली अतनु के लिए एक मतलब सरप्राइज बना रही हूँ, मतलब कुछ बना रही हूँ, DIY कर रही हूँ. अतनु को नहीं पता, इस ब्लॉग के बाद उसको पता चल जाएगा. लेकिन हाँ, कुछ तो उसको तो पता है कि कुछ तो मैं
खिचड़ी पका रही हूँ। अभी तो क्या है ना, अभी आप सरप्राइज वगैरह नहीं दे सकते हो क्योंकि अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, सो घर पे ही है। तो यही मुझे एक टाइम मिलता है जब अतनु नीचे जाता है वर्क करने के लिए, तो थोड़ा सा मुझे टाइम मिलता है। कृति भी अभी नहीं है, वो भी नीचे है, सो यही एक टाइम है जो मैं कुछ बना बना सकती हूँ। सो यहाँ पे मेरा कुछ सेटिंग चल रहा है, मैंने कुछ पेपर वगैरह भी मैं लेके आई हूँ। और लेकिन ये सारा सामान ना मैंने कैसे रखा है आप लोगों को दिखाती हूँ। ऐसे ना मैंने कपड़े के अंदर इसको रैप करके रखा है, सो इसके अंदर मेरा सारा सामान है। सो ऐसे जब भी अतनु आता है तो मैं ऐसे इसको रख देती हूँ, तो उसको पता भी नहीं चलता है कि इसके अंदर क्या है। सो चलिए मैं दिखाती हूँ। तो ये एक बन रहा है मेरा। सो जब ये कंप्लीट हो जाएगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि क्या है और किस पर्पस में बन रहा है। ये तो आप लोगों को पता ही है, फेब्रुअरी का महीना है, सो कुछ सरप्राइज देना तो बनता ही है। और मेरा बहुत शौक है मैं हाथ से बना के उसको दूँ। वैसे तो मैं स्टार्टिंग से ऐसे ही करती थी, कुछ भी अतनु को देती थी ना तो अपने हाथ से बना के। मैंने बहुत सारे मतलब चीज़ें दिए हैं हाथ से बना के, तो इस बार भी प्लान है और वो भी चैलेंज के साथ कि इस सिचुएशन में कुछ सरप्राइज रखने का। सो वही मैं कर रही हूँ। और आज ये वाला वीडियो देख के तो अतनु को पता चल ही जाएगा, लेकिन क्या बना रही हूँ तो उसको भी पता नहीं चलेगा। सो जस्ट अभी अभी मैंने दिया किया है और रोटी भी बना लिया है मैंने आज। ये कुछ ग्रोसरी का सामान है जो मैंने कल लिया था, सो ये सारा कुछ सामान मैं अभी रखूंगी। और मैं जिस बास्केट पे रखती हूँ ना वो है ये वाला बास्केट। मेरा वो जो सेल्फ है उसके नीचे रहता है और ये मेरे लिए ना बहुत हेल्पफुल हुआ है। और ये ना ये साइड का जो हैंडल है इतना हेवी सामान उठा नहीं सकता है, तो ये साइड का जो रोप है ये मेरा टूट गया है। एक्चुअली पूरा भारी हो जाता है ना तो ये इतना हेवी नहीं ले पाता है, तो मैंने इसको ऐसे ही हैंडल मतलब हैंडल पकड़ के उठा दिया था। कुछ ज़्यादा ही सामान मेरा यहाँ पे रह जाता है और बहुत ही बड़ा है। छोटा सा बास्केट अगर हो तो इसमें मतलब वो उसका जो वेट है वो ले सकता है, बट ये मेरा टूट गया है, इसको लगाना पड़ेगा। सो इसको मैं लगा दूंगी। नीचे का जो पोर्शन है यहाँ पे मैं रखती हूँ सारा सामान जो मैं लेके आ रही हूँ, वो कोरोना के टाइम से मतलब लास्ट ईयर से ही यहाँ पे रख देती हूँ। और जो मैं चूड़ा लेके आई थी तो कुछ चूड़ा फ्राई करके मैं रख देती हूँ, तो इवनिंग स्नैक्स में बहुत हेल्पफुल होता है। और अतनु को भी बहुत पसंद है तो उनको थोड़ा सा चीरा फ्राई दे देती हूँ। इसके साथ थोड़ा सा मूंगफली थोड़ा सा मिक्सचर मिक्स करके बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है ये। सो वही मैं रेडी करके रखती हूँ। तो जैसे मैंने एक डब्बा बना लिया तो 1 वीक तक मेरा चल जाता है। साथ में मैं आज बनाऊंगी थोड़ा सा खीर, क्योंकि थोड़ा बहुत मिल्क था तो उसके साथ मैं थोड़ा सा मैंने पानी मिक्स किया है, तो मिल्क जो है थोड़ा मेरा पतला हो गया है। जब भी ऐसा सिचुएशन होता है ना मैं अमूल का ये कंटेंट मिल्क यूज़ करती हूँ, ये आपको कोई भी डेयरी प्रोडक्ट के शॉप में मिल जाएगा। सो वो यूज़ करती हूँ ना तो मिल्क का जो गाढ़ापन है वो आ जाता है। और मैंने थोड़ा सा खीर बनाया था, ये थोड़ा मिल्क रह गया था तो मैंने सोचा चलो खीर बना देते हैं, क्योंकि अतनु को बहुत पसंद है खीर और अतनु को गर्म खीर से ज़्यादा ठंडा खीर ज़्यादा पसंद है। सो वही थोड़ा सा अभी हम लेंगे और बाकी फ्रिज में रख देंगे। तो हम लोगों का डिनर भी हो गया है और कृति सो गई है, उसको एक नया स्टोरी बुक मिला है जो कि वो पढ़ने में बहुत बिजी थी तो बहुत जल्दी वो सो गई आज। और मैं ये मिल्क का जो बैग है वो बाहर रखूँगी, सो इसको मैं बाहर रख देती हूँ। यही एक लास्ट काम रखती हूँ मैं और बाकी तो सब हो गया मेरा। और घर भी थोड़ा सा क्लीन करके रखती हूँ क्योंकि सुबह ही सुबह आती है तो वो क्लीन करती है। कृति सो गई है और इस ब्लॉग को मैं कंटिन्यू करूँगी कल सुबह तक। सो अभी के लिए गुड नाइट, थोड़ा मैं फ्रेश हो जाऊँगी और अपना जो नाइट केयर होता है वो करूँगी, वो तो ऑलरेडी मैंने शेयर किया है आप लोगों के साथ। तो चलिए फिर मिलते हैं सुबह। ओके सो टाटा गुड नाइट।
गुड मॉर्निंग. कृति की क्लास है सो कृति भी उठ गई है. और ये रहा अभी कृति, टाइम नहीं है उसके पास बेड टेक करने के लिए. और मैं आप लोगों को ना एक चीज दिखाती हूँ. चलो मैं इस बालकनी का मेकओवर वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली थी, बट यहाँ पे दो दिन पहले मैंने देखा कि ये पिजन जो है वो मतलब उसने अपना अंडा रखा है. सो मेरा काम जो है रुक गया है. मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ. जब तक ना उसका बेबी मतलब अंडे से उसका बेबी बाहर आ जाए तब तक मैं इस बालकनी को क्लीन नहीं कर सकती हूँ. सो अगर बेबी आ जाता है तो वो अपने आप ही यहाँ से चला जाएगा. दीदी ने पिलो वो ठीक करती है और ये कंफर्ट जो है वो मैं हेल्प करती हूँ उसको. और ये है उसका नया दोस्त है ना. हाँ. जो उसकी मासी ने दिया है उसको. हाँ. और एक साथ में स्टोरी बुक. हाँ एक साथ में स्टोरी बुक भी है ये वाला. हाँ इसमें 365 स्टोरीज. हाँ वो हम लोग शेयर करेंगे है ना. हाँ, अभी मैंने कल एक पढ़ा है. वो बहुत इंटरेस्टिंग था. वो मैंने देखा पढ़ा. हाँ कुछ स्टोरीज है वो मैं जानती हूँ. अच्छा चलो अभी कृति का क्लास का टाइम हो गया है. सो अभी वो कहाँ जा रही है. डाइनिंग टेबल पे. हाँ. स्कूल पे. डाइनिंग टेबल उसका स्कूल है. हाँ, क्लास हाँ, और मुझे करना है हॉल पे एक दिन करना है. हॉल पे. अच्छा ठीक है अभी जाके डाइनिंग टेबल पे कर लो. गुड मॉर्निंग. अतन अपने प्लांट्स को देखता है और ब्रश करता है ना. Keep on telling lies. That is how we stay alive. So you know that I don't mind about what is wrong and what is right. We keep moving in different rhythms. Still I know what you feel. We keep moving. ओके गाइस तो मैं जस्ट कृति की स्कूल खत्म होने की वेट कर रही थी और कृति का स्कूल अभी खत्म हो गया. हाँ. अभी उसको एक नया फ्रेंड मिला है. अभी पूरा टाइम वो इसी के साथ रहेगी. हाँ. तो जो मैं बताने जा रही थी जिसके लिए मैं वेट कर रही थी कि कृति की क्लास कब खत्म हो उसके बाद मैं आप लोगों के साथ थोड़ी देर के लिए बात करूंगी वो है ये कि मैंने अपनी छिमछाम चैनल पे एक पोल डाला है. अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज जाके चेक कीजिए और मुझे हेल्प कीजिए कि मैंने जो डिसीजन लिया है वो मतलब मैं डिसीजन जो लेने वाली हूँ उसमें मुझे हेल्प कीजिए. क्योंकि मैंने सोचा कि आप लोगों से ही पूछ लेती हूँ क्योंकि आप लोगों का चैनल है. तो आप लोग अगर मुझे हेल्प करेंगे आप लोग मुझे अगर बताएंगे कि आप लोग चाहते हो या नहीं चाहते हो सो मेरे लिए बहुत बड़ा एक हेल्प होगा. और मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था. अदनु को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था. तो हम दोनों ने डिसाइड किया कि चलो आप लोगों से ही पूछते हैं. सो प्लीज़ उस पोल पे मुझे बताइए मुझे हेल्प कीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए. एंड काफ़ी सारे रिक्वेस्ट आते रहते हैं आप लोगों के तो इसी की वजह से मैंने सोचा कि मैं ये वाला डिसीजन लूँ. लेकिन ऑब्वियसली आप लोग पहले हो तो आप लोग अगर मतलब ज़्यादा वोट अगर यस होता है तभी भी मैं ये डिसीजन ले सकती हूँ मतलब तभी मैं ये डिसीजन ले सकती हूँ अदरवाइज नहीं. अगर आप लोगों की मतलब डिसीजन मुझे पता चल जाता है अगर यस होता है तो मैं फरवरी से ही वीडियो डालना स्टार्ट कर दूंगी वहाँ पे. और हाँ फरवरी का महीना बहुत ही स्पेशल है हम लोगों के लिए. वो क्यों ये तो आप लोगों को पता ही है. और बहुत ही जल्द मैं वो शेयर भी करूंगी क्योंकि डेट बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ रहा है. ओके तो बस यही आप लोगों से कहना था. और कहाँ गई कृति. हाँ सो कृति अभी क्या करेगी. मैं अभी नहाऊंगी. कृति अभी नहाएगी क्योंकि उसका क्लास खत्म होने के बाद वो नहाती है. सो फ्रेंड्स को बाय बाय बोलने का टाइम हो गया. हाँ. है ना. हाँ सो चलिए इस व्लॉग को हम लोग यही पेंट. हाँ, करते हैं. मेरी स्टोरी बुक. अच्छा वो एक स्टोरी बुक भी आप लोगों के साथ शेयर करेगी. चलो हाँ.
एक्चुअली उसकी मासी जो है वो कल्याणी में रहते हैं. मासी मतलब मेरी फ्रेंड है जिन्होंने कृति के लिए भेजा है और कृति बहुत ज्यादा खुश है. हाँ, यहाँ 365 स्टोरीज हैं. हाँ, वो ये स्टोरी बुक आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती है. इसमें सारे स्टोरी का हाँ नाम दिया हुआ है. हाँ, फर्स्ट स्टोरी क्या है? फर्स्ट स्टोरी है द फिशरमैन एंड हिज वाइफ. मैंने जो उसने कल रात को पढ़ लिया है. हाँ, और कल आज रात में ये पढ़ूंगी. क्या नाम है उसका? द थ्री स्पिनर्स. स्पिनर्स. ओके, पढ़ के सुनाना है ना. हाँ, ये बहुत ही हैवी है. हाँ, उसको उसको इतना अच्छा लगा कल रात को. उसने मतलब कल रात को उसको मिला, सो वो कल रात को बहुत ही जल्दी सोने के लिए चली गई. अदरवाइज तो दूसरे दिन क्या होता ना, वो सोने मतलब बेड पे आने के लिए उसको कितनी बार बोलना पड़ता है, बट कल तो मतलब मैजिक हो गया. तो चलिए आज का ब्लॉग हम लोग यहीं पे एंड करेंगे. वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो क्या करना है? लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना. चलिए फिर मिलते हैं नए एक ब्लॉग के साथ. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बी सेफ.